मी खमार समणो वंदी उजावणी जाय नीति ही आय मत्रे वंदन उचिकाय सूराई सुख तप शरीर निराबाद सुख संजम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी बात पाणी नो लाभ देजो जी इच्छा मी खमार समणो वंदी उजावणी जाय नीति ही आय इच्छा करना संदी सौ भगवान अभूत लोमी अभ्यंतर राइयम खामे हु इच्छम खामे मी राइयम जंकिंग की अपत्यम अपत्यम वच्चे पाने रिये एया वच्चे आलावे संदावे उच्चासने समासने अंतर भाषाए ओरी भाषाए जंकिंग की मध्य विनय परिहिन तुहु वा वायरम वा तुभे जानम अहम न जानामी तस्मिच्छामि नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसारणं एषु पञ्च नमो तारो सर्वभावप्रणाशनो मङ्गलानुं च सर्वेषु परमं भवै मङ्गलम् जयै जगदीव जोनि मेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगनामो जगबन्धो जयै जगप्रियाणो भय जय सुयान प्रभु देतय राणिम जय जय गुरुलोगाण जय बाबा महावीर सच्चिदानंद संपूर्ण विश्व विश्व पावन शंखेश्वर पुरुषम सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानते मिरांधानं ज्ञानं जनशलाकयं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। धर्मलाल साहिब जी परिवर्षण महापर्व मथे वंदामी। आज जो है पहली क्लास हमारी इसके ग्रंथि भेद के विषय की है। अब यहाँ तक हमने जो अभी तक थोड़ा बहुत कुछ समझा था सीखा था, अब कितने लोगों को उपस्थित है और कितने लोग भूल गए होंगे या कितने लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ख्याल में होगा। जनक भाई घना दिवस पछी देखा छो। हाँ सर, थोड़ा बहुत अगर पिछला कुछ ख्याल में हो तो बोलिए। अनंत अनंत भाव अनंत कर्मों मानसो अनंत भाव करे छे चार गति मां मनुष्य भाव मां देव भाव मां नरकी अने तिर्यंच भाव मां अने ए चक्र मां ज मानस फर्या आई मीन जीव फर्या करे छे।
જ્યારે એ એક છેલ્લા એક પૂદગલ પરિવર્તન કાળમાં પ્રવેશે છે ત્યારે એ 70 કરોડાકરોડી સાગરોપમ માંથી 1 કરોડાકરોડી સાગરોપમ સુધીના આયુષ્ય અને સોરી અનંતબંધી કસાઈનું અને અનંતબંધી મિથ્યાત્વનું જે કર્મ છે એને 1 કરોડાકરોડી સાગરોપમ સુધી લાવે છે એના એક કાર્ય કરતા કરવા માટે એ યથા પ્રવૃત્તિકરણ કરે છે. જ્યારે ચરમ યથા પ્રવૃત્તિકરણ થાય છે ત્યારે જીવ ગ્રંથિભેદ સુધી પહોંચે છે અને એ જે બે અંતરમુહૂર્તમાં એ ગ્રંથિભેદ કરી નાખે છે. સાહેબ આટલું જ મને જરાક સંક્ષેપમાં કીધું. બહુ અચ્છા, ઇતના ભી કાફી અચ્છા હૈ આપકો. અબ પહેલી વાત યહાં પર યે સોચીએ ગ્રંથિ હૈ કહાં પર હૈ. તો યે યહાં પર આપને દેખા કે ગાંઠ જો હૈ વો યહાં હૈ. દિખ રહા હૈ આપકો? જી સાહેબ જી દિખ રહા હૈ. ज्ञानावरणीय कर्म के घर में ग्रंथि नहीं है, दर्शनावरणीय कर्म के घर में भी ग्रंथि नहीं है. अब ग्रंथि सिर्फ यहाँ पर मोहनीय कर्म के घर में ही है, अंतराय कर्म के घर में कुछ भी नहीं है. लेकिन करण जो है वो आपको यहाँ से लेना है और ज्ञान आपको यहाँ से लेना है, क्योंकि ये जो गांठ बनी हुई है, ये गांठ किसकी बनी हुई है? ग्रंथि अनंतानुबंधी कषाय और मिथ्यात्व की ग्रंथि बनी हुई है. देखिए मिथ्यात्व कहाँ से आया है? यहाँ से ज्ञान को विपरीत करके लाया, ज्ञान को उल्टा किया, विपरीत करके ज्ञान को यहाँ से लाया और कसाय यहाँ से लाया. अब ये कसाय लाया और इन दोनों को मिलाकर के गांठ बनाई. अब ग्रंथि बनी हुई है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के घर में. मैंने आपको थोड़ा सा याद हो, ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान के विषय का मुख्य काम जो है ये जानना, इसका काम दर्शन के विषय में देखना है और इस विषय में मानना. ये जो इसका विषय जो आ रहा है वो मानने के विषय में आ रहा है. तो अब दोनों में यहाँ से आपने यहाँ तक आ गए. अब इसका काम क्या है? आचरण करना है. अब ये दोनों ये चार हो गए. इन चारों कर्म के आधार पर हमारी डे टू डे लाइफ, प्रतिदिन का जीवन, हमारा सारा व्यवहार जो है वो इन चारों पर प्रतिदिन चल रहा. अब इसमें क्या, दर्शनावरणीय कर्म के अंदर इंद्रियां भी गिरे, फंक्शनिंग सिस्टम आ गई, तो हम अपना काम कर लेंगे. आंख से देखना है, कान से सुनना है, जो भी करना है हम अपना व्यवहार कर लेंगे. लेकिन इधर कौन सा है? मोहनीय कर्म. अब मोहनीय कर्म के घर में क्या आ रहा है? इधर मानने की बात आ रही. अगर आपने यहाँ से ज्ञान सही किया, शुद्ध किया, तो वहां पर आकर के आपकी मान्यता सही होगी. अगर ज्ञान आपने सही नहीं प्राप्त किया है तो इधर आते आपकी मान्यता विपरीत हो गई. मैं आत्मा नहीं मानता हूँ. इधर आप क्या बोलेंगे? मैं आत्मा के बारे में नहीं जानता हूँ. इधर आप क्या बोलेंगे? मने कई आत्मा देखा तो नथी, मैंने देखा नहीं है. इधर आप बोलेंगे मैं मानता ही नहीं हूँ. इधर आपको बोलेंगे अब मैं क्या आचरण करूँ आत्मा के बारे में? आपने कई करो नथी, रात ना 12 वागे हो के 2 वागे हो, खाई पीने लहर करवाना. अब अपनी अपनी विचारधारा है बदल जा रही. तो चारों के अंदर जो यहाँ की गांठ है ये खोलनी है. ताला लॉक इधर है, चाबी इसके पास है. ज्ञान में से चाबी लाएंगे और इधर से कसाई घटाएंगे तो
तो ही आपका ग्रंथि भेद होगा। बस गांठ यहाँ पर है, आप देख रहे हो कि ग्रंथि जो यहाँ पर दी गई है और खोलना है, तो गांठ खोलते ही क्या होगा, टोटल हमारी बुद्धि बदल जाएगी। जिसकी भी ग्रंथि भेद हो गया, जिसकी गांठ खुल गई, उनको बरोबर जो है अंदर प्रतीति अनुभूति हो जाएगी। अब आप बोलेंगे हाँ मैं आत्मा मानता हूँ, मैं मोक्ष स्वीकारता हूँ, मैं लोक परलोक मानता हूँ, मैं स्वर्ग नरक भी मानता हूँ, मैं पुण्य पाप भी मानता हूँ। अब आप बरोबर पॉजिटिव माइंड के बन जाए। इसके लिए हमने 8 महीनों तक ये ग्रंथि भेद का विषय समझा है, प्रयत्न किया है, क्योंकि ये नहीं खुले वहां तक आपका कुछ भी नहीं होगा। हम अगर आत्मार्थी बन रहे हैं, हमें अपना मोक्ष निर्धारित करना है, तो जिस दिन जैसे ये गांठ आपकी खुल जाएगी, गांठ खुलने का मतलब क्या होगा, आपकी मान्यता स्पष्ट हो जाएगी, उस दिन आपका जो मोक्ष है वो आपका यहाँ पर प्लस पॉइंट में आपका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों हमको करना है, हमारा मोक्ष होगा, ये मोक्ष होने की बात नहीं है, मोक्ष का होना निश्चित हो जाएगा, ये बात है। दो में फर्क है, मोक्ष प्राप्त होना अलग चीज है, लेकिन मोक्ष का निश्चय हो जाना अलग चीज है। यहाँ से ट्रेन में बैठकर दिल्ली जाना, वो 6 महीने के बाद का आपने रिजर्वेशन लिया है, तो आप 6 महीने बाद दिल्ली जाओगे, लेकिन 6 महीने के रिजर्वेशन की टिकट आज आपके हाथ में आ गई है तो आप निश्चिंत है। अब आपको 6 महीने के बाद जाना ही जाना है, आप 6 महीने का रिजर्वेशन कराओ, आप 10 महीने का कराओ, 12 महीने के कराओ, आप जो कराओ, आपको जाना ही जाना है, ये बात निश्चित है, समझे के। तो ये हमारे लिए अनिवार्यता है। अब ये करने के लिए प्रोसेस क्या है, पूरी प्रक्रिया क्या है, ये हमने समझने की कोशिश की यहाँ पर। तो इसके अंदर आपको ये अभी देखना है, जो गांठ बनी हुई पड़ी थी, अब उसके लिए यहाँ से ला करके इधर से, करण का मतलब आत्मा की स्पिरिचुअल एनर्जी यूज में ली, शक्ति यहाँ से ली, लेकिन शक्ति कौन सी शक्ति कहाँ ले जाना है, कोई वेपन्स नहीं चलाने आपको, ये शक्ति आपको यहाँ ले जाना। तो आप शक्ति ज्ञान में ले गए, वहां से सही ज्ञान आपने लाया, क्यों जरूर पड़ी, क्या जरूर पड़ी आपको, तो शक्ति यहाँ से ले जा करके आपको ज्ञान में क्यों ले जा, क्योंकि ज्ञान को ही हमने उल्टा किया है, ज्ञान ही विपरीत हुआ है, उसी का नाम मिथ्यात्व है। जब यहाँ से विपरीतीकरण हमने लाया, उसी का नाम जब मिथ्यात्व हमने बनाया है, तो यहाँ से आपने ज्ञान सही लाया, यहाँ से एनर्जी आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी वो आपकी सही आ गई, दो को मिलाया आपने, तब जाकर के यहाँ की गांठ खोलने के लिए आपने, तो इधर से तो ज्ञान लाया, अब ये ज्ञान आपका संयम यहाँ से और ये करण एनर्जी ले गए आपने अब कसायों की गांठ खोलने के लिए। तो कसाय की गांठ के अंदर क्या था, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान था, अनंतानुबंधी माया थी, अनंतानुबंधी लो, ये अनंत की पकड़ वाला जो था, अब वो खुले तो कैसे खुले, जब आपका ज्ञान हो गया अब आपका रास्ता खुल गया। ताला कितना भी मजबूत है, ताला कितना भी बड़ा है, लेकिन चाबी तो सही है ना, तो वो चाबी उसको खोलेगी। अब चाबी ढूंढने के लिए क्या करना साहब, चाबी नहीं मिल रही है, चाबी खो गई है, ताला तो नहीं खो रहा है, ताला तो लगा हुआ है। अब चाबी खो गई तो आपने सोचा नहीं मिल रही है भाई साहब, क्या करो, कहां से लाओ, कैसे लाओ, क्या ना? चलो भाई नहीं है तो जो जानकार है उनके पास गए, उनको 2-5 हजार दिया, आपने ला करके ताला खुलवाया। अब ताला खुल गया तो अंदर आपका बंगला बड़ा है, सब कुछ अंदर है आपका। तो ये हमने प्रयत्न क्या किया है, लगा टाइम जरूर लगा, 8 महीने लगे,
मैं उसके लिए मैं ज्यादा समय लगे इसके लिए मैं क्षमा मांगू तो भी फॉर्मल होगा, क्योंकि अब इसके लिए इतना डिटेल समझाने के लिए नहीं समझे तो फिर आप ऊपर ऊपर से समझ लेंगे फिर तो काम ही नहीं होगा। ये इतनी लंबी मुझे खींचने की जरूर नहीं थी, नहीं तो एक ही महीने में बात पूरी हो सकती थी या दो चार व्याख्यान नहीं पूरी हो। हमको जब पढ़ाया गया था हम अपने शिक्षक के पास पढ़ते थे तब उन्होंने तो दो ही घंटे में हमको तो आधे घंटे में सिखा दिया, खेल खत्म हो गया। वाची ली बनी ली तो तुम्हारी गाथा थे कि आगल चालो, अब इससे ज्यादा क्या कर सकते थे। लेकिन आपको सबको समझाने के लिए जब LKG लेवल के है, बैकग्राउंड नहीं है, ज्यादा अभ्यास नहीं था, ये टेक्निकल वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, तो अब ये कैसे खोला जाए। तो इसके लिए एक तो वीक में दो ही तो क्लास होती सैटरडे संडे की, अब उसके लिए टाइम जरूर लगा सही, तो आपने समझा भी सही काफी लोगों ने। अब हुआ ये कि पॉल्यूशन का गैप आ गया, पॉल्यूशन के बाद में इतने दिनों का गैप हो गया, तो अब इतने दिन तक वो मेमोरी में रहेगा कि नहीं रहेगा वो मुझे मालूम नहीं क्या। अब वो आप मेमोरी में कितना टाइम लंबा रख सकते हो वो आपको देखना है। अब बात हमने किया क्या है, अगर हमने ये कर लिया है, ये गांठ खोल ली है, तो अब आपके लिए सारे रास्ते पॉजिटिव हो गए। अब आपको बिल्कुल जो है पॉजिटिव माइंड बनाकर आत्मा छे, मोक्ष छे, कर्मपन छे, स्वर्गपन छे, नरकपन छे, बिल्कुल है। अब मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें, नरकों की ज्ञान यहाँ का लाया। आपका सम्यक दर्शन या मिथ्यात्व दुनियादारी के साथ नहीं है क्या। आप कोई इंजीनियर है, आप कोई एडवोकेट है, या आप कोई, तो उसके लिए आपका विषय नहीं है। जो पदार्थ आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, आत्मा हो या मोक्ष हो, जो बिल्कुल विजिबल नहीं है हमारी आंखों के सामने, ऐसे पदार्थों को भी मानना है, जानना है। अभी हमने 10 मिनट पहले गंधर्ववाद के विषय में भी वही स्टडी की थी। गंधर्ववाद का विषय आत्मा के बारे में ही चल रहा है। आखिर महावीर ने समझाया और गौतम समझे तो गौतम का सबसे पहले तो मिथ्यात्व डाला, सम्यक दर्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने भगवान के पास दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद महावीर ने उनको गणधर बनाया, गणधर बनाकर अब देशना दी। अब देशना दे करके पदार्थों का क्लेरिफिकेशन देंगे और वो पदार्थ स्वरूप त्रिपदी से समझा करके क्लियर करेंगे। अब बरोबर जो है गौतम इंद्र बुद्धि आदि आत्मा के बारे में लिखेंगे। अब वो लिखेंगे तब वो शास्त्र बनेगा, आगम बनेगा। अब वो आगम सबके सामने आएंगे, हम पढ़ेंगे, आपको सिखाएंगे, तो पूरी प्रोसेस देख लो आप। इसलिए महावीर पहले कह रहे हैं कि भी अगर ग्रंथि भेद नहीं होगा, सम्यक दर्शन ही नहीं होगा, तो मैं उनको गंधर्व कैसे बनाऊंगा, मैं उनको दीक्षा कैसे दूंगा, मैं उनको साधु कैसे बनाऊंगा, मैं उनको उपदेश देकर त्रिपदी के सिद्धांत कैसे समझाऊंगा। उनकी खुद की बुद्धि उल्टी है तो वो तो आत्मा विग्रह मानने को ही तैयार नहीं है, वो जगत को क्या सिखाएंगे, समझाएंगे कैसे, पूरी बात ही उल्टी हो जा रही है सर। तो महावीर ने कहा कि सबसे पहले मुझे इंद्रभूति गौतम के डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे, वॉट एवर टाइप ऑफ डाउट्स, वो सारे क्लियर करके समझा करके जब गौतम ने ग्रंथि भेद कर लिया और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, अब बरोबर पॉजिटिव माइंड बन गया। अब गौतम ने अपनी तरफ से दोनों कान पकड़ लिए, नहीं भगवान मेरी मान्यता गलत थी, अब मुझे सत्य स्पष्ट हो गया ऐसा। अब जब सत्य स्पष्ट हो गया है, सम्यक दर्शन हुआ, तो गौतम ने खुद ने सामने से ही कह दिया, हे भगवान अब मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, अब मैं स्वयं दीक्षा लेकर साधु बन करके आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात, खुशी से भाई तुरंत उनको दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद वो अब उसकी योग्यता, पात्रता, कैपेसिटी, एबिलिटी भगवान जानते हैं। अब उनको तुरंत भगवान ने गणधर पद दिया, सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया। अब स्वीकार करके भगवान ने त्रिपदी की मीडिया से देशना दी, त्रिपदी के माध्यम से पदार्थों का निरूपण किया। अब गौतम बरोबर लिख रहे हैं सब, अब क्लियर कट एक 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 वस्तु बरोबर लिख रहे हैं। अब उन्होंने सब पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट लिखा,
अब वो बन गए आगम जो भगवान की देशना को, हालांकि उस समय तो लिखना मतलब खाली जस्ट ओरली पूछना ही था, लेकिन वो सब आगम बन गए। अब आगमों के अंदर एक एक पदार्थ एक एक तत्व स्वरूप सारा स्पष्ट हो गया। अब वो सारी चीजें भगवान सबको समझा रहे हैं। अब भगवान के लिखे हुए आगम से भी गौतम स्वामी आदि सुधर्मा स्वामी गंधर्वों के फॉर्मूला सूत्रों से अब सबको पढ़ाई कराई जा रही है, अभ्यास कराया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सब सीख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। और आज इतने 2500 साल बीत गए इस भगवान के वचन से, आगम शास्त्र से हजारों लाखों आत्माओं का कल्याण हो गया, लाखों आत्माओं का कल्याण हो गया। सोचिए कल्याण मतलब क्या, मिथ्यात्व का भमन करके वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ गए। कल्याण का मीनिंग ये है। आप कल्याण का मीनिंग ये मत समझे कि बहुत अच्छे सुख शांति हो गए और गाड़ी बंगला मिल गया, उससे कोई संबंध नहीं है सर। यहाँ पर कल्याण शब्द इस अर्थ में, हमारा कल्याण तभी होगा ये ग्रंथि भेद हमारा हो जाए। अब ये ग्रंथि भेद कोई मेरे कराने से तो नहीं होगा, मैं तो निमित्त किसमें बन रहा हूं, आपको ज्ञान सम्यक सही देने में निमित्त बन रहा हूं। कोई भी भगवान भी क्या निमित्त कैसे बनेंगे, भगवान अगर किसी के ऊपर जादू कर सकते, चमत्कार कर सकते, भगवान किसी की ग्रंथि का भेद कर सकते होते तो भगवान अपने जीवन काल में एक ही दिन में सबका कर देते। लेकिन महावीर खुद जानते हैं ये सब अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना कर्म है और कितना सॉलिड है तो महावीर ने बता दिया, 70 गुणा गुणी सात रूपम से बंधा हुआ सॉलिड कर्म है, इतना भारी कर्म है सा। तो भगवान ने रास्ता सिखाया, यथा प्रवृत्तिकरण करो, फिर अपूर्वकरण करो, फिर आपकी ग्रंथि भेद हो जाएगी तब आप। अब भगवान ये जानते हैं कि भाई मैं तो नहीं कर सकता हूँ, वो सबको अपने अपने को ही करना पड़ेगा, सब अपना अपना करेंगे, खुद करेंगे। तो भगवान ने समवसरण के अंदर पहले दिन वैशाख शुद्ध 11 के दिन देशना दी, उसी प्रकार से सबके विषयों को समझा दिया, जितने विषय दुनिया में होते हैं मिथ्यात्व के ले आत्मा से लेकर मोक्ष तक के सब विषयों के बारे में महावीर स्वामी ने पहले ही दिन पूरा क्लेरिफिकेशन दे दिया। हम सबकी शंकाएं टल गई। अब आप सोच लो पहले दिन वैशाख शुद्ध 11 के दिन समव शरण में भगवान की देशना से 4441 इतने लोगों ने तो सम्यक दर्शन पाया और इन्होंने दीक्षा ली। बाकी के गृहस्थ में से सारव श्रावी का साधु साधवी में सारव श्रावी का गिन करे तो 4444 के ऊपर हो जाए, क्योंकि 4411 तो यही है ब्राह्मण पंडित शिष्य इनके और 11 ये गंधर्व। अब बाकी के दूसरे 20-30 दूसरे गिन लो, चंदन वाला वगैरह जो है। तो पहले दिन इतने लोगों का, अब इतने लोगों का ग्रंथि भेद एक साथ हो तो निमित्त तो महावीर स्वामी उपदेश दे रहे हैं, भगवान उपदेश दे करके सत्य समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब उस हिसाब से सब कोई जो है बोध तो हो ही रहा है अंदर से। अब बोध होते 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 अब उन्होंने अपने सम्यक दर्शन से अब और ज्यादा आगे स्पष्ट करके जो ज्ञान प्राप्त किया है समझे कि नहीं, तो वो सब अपनी तरफ से वो भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ गए। 9 गंधर्व तो महावीर स्वामी के मोक्ष में जाने के पहले ही केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके और केवल ही पर्याय में आकर के वो राजगृही पर जाकर के अनशन करके वहां 1 महीने का मासक श्रवण करके संथारा करके मोक्ष में चले भी गए। अब उनका आयुष्य उतना था, वो पहले ही चले गए, महावीर के पहले ही मोक्ष में गए। बस 2 ही बचे थे, इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी। तो इंद्रभूति गौतम महावीर स्वामी से 20 बरस बड़े हैं। महावीर स्वामी का आयुष्य 72 बरस का है और गौतम स्वामी का आयुष्य 92 बरस का है, वो 92 बरस के थे। और सुधर्मा स्वामी और ज्यादा 8 बरस और ज्यादा बड़े, तो सुधर्मा स्वामी का आयुष्य 100 बरस का था। तो
तो महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया, मोक्ष में गए 72 बरस की आयु में। उसके बाद 12 बरस तक गौतम स्वामी केवली के रूप में विचरते रहे, देशना देते रहे। तो 12 बरस में गौतम स्वामी के निमित्त से भी लाखों लोग जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करके मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। अब उसके बाद में जब गौतम स्वामी मोक्ष में चले गए तो सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। अब वो 8 बरस तक देशना देते रहे। उन्होंने जम्बू स्वामी को दीक्षा दी, जम्बू स्वामी को भी केवल ज्ञान प्राप्त करके वो भी मोक्ष में गए साथ। लेकिन बात ऐसी थी कि जम्बू स्वामी के मोक्ष में जाने के बाद इधर पंचम काल का कलयुग था, तो अब कोई मोक्ष में जाने के लिए अब कोई केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता था, तो फिर मोक्ष में जाना किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन सम्यक दर्शन के लिए तो निषेध नहीं है। अब पंचम काल के कलयुग के अंदर मोक्ष प्राप्त करने योग्य जो अनिवार्य है, अब किसी का विद्रागी होना, अब किसी का केवल ज्ञानी बनना, अब किसी का केवल दर्शनी बनना, अब आसंगण संस्थान पहले कक्षा के प्राप्त करना, यथा क्या चारित्र प्राप्त करना, अब गुणस्थान पर आकर के 13वें गुणस्थान, तो ये सब पॉसिबल नहीं बन रहा था। पंचम काल के कलयुग के जीव जन्मे हुए लोग जो है न तो वज्र ऋषभ नारायण संगण हो रहा था, न संस्थान हो रहा था, न किसी को अभिज्ञान न परिज्ञान हो रहा था। अब न केवल ज्ञान हो रहा था तो कोई मोक्ष में नहीं जा रहा था। आखिर पंचम काल है, कलयुग का है, अवसरपिणी है, उतरता हुआ काल है। चलो भाई मोक्ष नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन मोक्ष नक्की तो हो रहा है ना। आज भी हम अगर अपनी तरह से यथा प्रवृत्तिकरण करते हैं, अपूर्वकरण करते हैं, ग्रंथि भेद करते हैं, सम्यक दर्शन होता है, तो आज भी मोक्ष तो हमारा नक्की हो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब ये है काल, काल तो भाई हमारे अधीन तो नहीं है, हम काल के अधीन है। आज 5वां आ रहा है, पंचम काल का कलयुग है, क्यों है? इट इज द डेस्टिनी ऑफ टाइम। महावीर में तो नहीं होता है 5वां आ रहा, तो आज भी मोक्ष में जा रहे हैं। अभी कितने बजे आपके वहां पर? 10 बजे, तो 9 बजे कोई मोक्ष में गए, कोई 8 बजे गए, कोई 10:30 बजे गए, तो वहां से तो चालू है, तो वहां से तो रुक जा रहे हैं। हमारे यहाँ हम जहाँ रहते हैं, ये जम्बू द्वीप के लास्ट कॉर्नर का साउथ का दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र है, और आज यहाँ हमारे यहाँ के दक्षिण भरत क्षेत्र से मोक्ष पॉसिबल नहीं है, तो आप उसकी चिंता मत करिए। आज मोक्ष हमारा नक्की हो सकता है, ये मोक्ष हमारा नक्की होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपको पहले क्या देखना है, आत्मा के अंदर ये है सम्यक दर्शन का मूल है, ये सत्ता में स्टॉक में पड़ा हुआ मूलभूत गुण है, वो तो है ही, हमारे सबके आत्मा में पड़ा है, मेरी आत्मा में है, आपके आत्मा में है, आधी घोड़े की आत्मा में, चीटी मकोड़े में है, सत्तागत गुण तो सब है। ये हमने पहले ही सीख लिया है पदार्थ विज्ञान में द्रव्यानुयोग की क्लास के अंदर। अब वापिस द्रव्यानुयोग की क्लासें चालू कर रहे हैं, इसका एक नया कोर्स वापिस शुरू कर रहे हैं, ताकि लोगों के सबका डिमांड है, आग्रह है, कई लोग नहीं कर पाए हैं, कई लोग जो है पहले से नहीं जुड़े थे, तो अब ये नया द्रव्यानुयोग का वापिस कोर्स चालू कर रहे हैं। तो मूलभूत पदार्थ तो ख्याल में आ जाएगा भाई, आत्मा है तो कैसा है, गुण वाला द्रव्य है। अब कितने गुण है आत्मा के, कैसे गुण है, कितने किस 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 प्रकार के गुण है, तो गुण तो गुण है, ये हमने अंदर क्या पदार्थ विज्ञान में क्या सीखेंगे, बिना गुणों का द्रव्य होता ही नहीं है, बिना द्रव्यों का गुण होता ही नहीं है, द्रव्य के बिना गुण अलग रहते ही नहीं है, गुण के बिना द्रव्य रहता ही नहीं है। ये सब बेसिक प्रिंसिपल जो है हम द्रव्यानुयोग के अंदर पदार्थ विज्ञान में सीख लेंगे। तो इधर मैंने क्या कहा हमको, सम्यक दर्शन ये आत्मा का मूलभूत गुण है, सत्तागत गुण है। आपको सम्यक दर्शन बाहर से नहीं लाना है, बाजार में नहीं मिल रहा है, दूसरों से बाहर से मांग करके नहीं लाना है, हम पैसे से खरीद करके नहीं ला सकते हैं,
अब क्या था, इसके ऊपर जो कर्म का आवरण है, ये कर्म का आवरण जो है ये इसने इस गुण को ढक दिया है। ये क्या बन गया, अब यहाँ पर ये जो है मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बन गया। ये जो मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बन गया है इसको ग्रंथि कहते हैं, इसका नाम गांठ है, मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। अब गांठ का मतलब क्या हुआ, अकेला मिथ्यात्व मोहनीय नहीं है, अब इसके साथ में ये अनंतानुबंधी प्रसाह जो है ये इसका लेयर बना करके ऊपर चढ़ गया। ये दोनों इकट्ठे होकर के मिक्स हो गए हैं, इसका नाम हमने ग्रंथि दिया है, गांठ दिया है। अब ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म है। मैंने क्या कहा आपको, पदार्थ विज्ञान के सिद्धांत से समझिए, कर्म कितने भी भारी लग जाए, कर्म का लेयर कितना भी ज्यादा हो जाए, अंदर आत्मा का सत्तागत मूलभूत गुण कभी नष्ट होता ही नहीं है, गुण तो सदा काल बरोबर बना ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब कर्म के लेयर चाहे कितने भी चढ़ जाए, आपने अंदर दीवार जो बनाई है, वॉल बनी है किसके, स्टोन की वॉल है या ब्रिक्स की वॉल है, उस पर सीमेंट का मार्बल लगा गया जो भी है, अब उसके ऊपर आप कलर के लेयर कितने भी चढ़ा दो, अंदर के स्टोन वॉल को क्या होने वाला है या अंदर के ब्रिक्स की वॉल को क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो तो कलर के लेयर है, बारिश में शायद धुलेंगे घटेंगे, दो पांच साल में उसकी पपड़ी निकल भी जाएगी, फिर आप नया कलर बना दोगे चलेगा। अंदर मूलभूत जो है वो ब्रिक्स की वॉल आपकी सॉलिड है या स्टोन की वॉल है वो सॉलिड है, ये तो बाहर का कलर का लेयर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे यहां पर ये बताया गया आपको, ये कर्म है, ये कर्म हमने बांधे हैं। मैं जब बोलता हूँ आत्मा ने नथी मानतो, भगवान भगवान कई नथी, ये बधु हम्बक वातो छे, बोगस वातो छे, मैंने दो सेंटेंस बोले, इधर आपका एक लेयर बढ़ गया। फिर मैंने बोला कर्म वरम कुछ नहीं है, छोड़ो ये सब बात है, ये लो एक लेयर और हो गया था। अब आप जिस विषय में सत्य से विपरीत बोलेंगे आपके ऊपर लेयर चढ़ता ही जाएगा, और फिर आप उस बात को पकड़ के रखेंगे, वो आपके अनंतानुबंधी कसाय की गांठ होगी। अब ये कर्म आपका सॉलिड बनता जाएगा। अब इसके ऊपर कितने लेयर चढ़ाओगे आप कितने लेयर चढ़ाएंगे और कितने जितनी बार आप सोचोगे, ये आपके विचार करने का एक लेयर आया, ये आपके बोलने का एक लेयर आया, ये आपके जो है करने का एक लेयर आया, फिर ये आपके ऊपर लेयर चढ़ते जाएंगे सर। क्यों चढ़ेंगे, आप सोच ही वैसा रहे हो, आप बोल ही वैसा रहे हो, आप कर भी वैसा रहे हो। 18 पाप का स्थान के अंदर 18वां जो लास्ट है वो मिथ्यात्व का पाप स्थान है। आप जीव हिंसा करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, वो अलग पाप, लेकिन 18 के लिस्ट में नीचे 18वां बेसिक जो है वो मिथ्यात्व शल्य का है। अब किसको ये पता चल रहा है, मेरे हाथ से कोई चींटी मकोड़ा मच्छर मर जाए तो मैं कहूं कि प्राणातिपात, मैं अगर किसी के बाद में झूठ बोल दू तो मृषावाद, मैं किसी की वस्तु बिना पूछे ले लू तो वो चोरी का पाप, लेकिन मैं मिथ्यात्व का पाप स्थान सेवन कर रहा हूं इसका क्यों नहीं पता चल रहा है, इसका किसी को भी ख्याल नहीं आ रहा है। विचार करते ही आपने, क्योंकि मन है ना, तो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु खींच करके उस विचार का एक लेयर आपका बन गया, ये हो गया आपका मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। आप तो भूल गए भाई, बुद्धि का उपयोग कर रहे थे, पड़े जो इनसे महावीर स्वामी थया था, ये तो बुद्धा मारा जो गप्पा लगा रहे थे, कौन मारा बापा जो आ गया था महावीर स्वामी थया है,
अब कोई कुछ बोलेगा किसी की लैंग्वेज कैसी होगी, किसी की लैंग्वेज कैसी होगी, अब करना क्या, अपनी अपनी भाषा सब बिगाड़ेंगे। आप जैसा बोले आपके ऊपर कर्म लगे। अब आप बोलोगे मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। भाई नहीं दिखाई दे रहा है, कार्मिक एटम यहाँ पर है। अब कार्मिक एटम इतने से एटमॉस्फेयर में है, आपको नहीं दिखाई दे। अब वो तो पुद्गल के परमाणु है ना, तो पुद्गल तो रूपी द्रव्य है, उसको तो वर्ण गंध रस स्पर्श है, लेकिन परमाणु की सूक्ष्मता इतनी बन चुकी है कि वो रूपी होते हुए भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करना, लेकिन दिखाई दे या न दिखाई दे उससे मतलब नहीं है। आपके विचार आते ही कार्बन वर्गना के पुद्गल आए और आत्मा पर चिपक गए। आपने लैंग्वेज का उपयोग किया, शब्द भाषा का, कार्मिक एटम आए, लग गए, चिपक गए। आपका बिहेवियर जो है फिजिकल एक्टिविटी बिहेवियर आपका अपोजिट चला, कार्मिक एटम आए, आत्मा पर लगे, चिपक गए। अब वो कर्म बनता गया, अब लेयर बनते गए। अब किसने गिनती की है, किसने गिना है? मनोज भाई आपने गिना है अभी तक? बोलिए मनोज भाई को कितनी 50-40 कितनी एज हो गई। अब आपकी लाइफ में आपने कब गिना है कि मेरे को कितनी बार विचार आए, मैंने कब कितनी बार बोला है लैंग्वेज में, मेरा बिहेवियर कब किसके साथ कितने प्रकार कैसा हुआ, अब पता ही नहीं है सब। शायद आपने बहुत ज्यादा अवेयरनेस रखी हो और इस जन्म का आपको पता भी हो। व्हाट अबाउट द पास्ट लाइफ, आपके पिछले कितने जन्म बीते हैं, अब पिछले कितने जन्मों में आपने कब कहां क्या बोला है, क्या सोचा है? इट मे पॉसिबल दैट वी केम फ्रॉम द एनिमल लाइफ। एनिमल्स दोस आर नॉट स्पीकिंग वेल बट दे आर थिंकिंग। विचार तो है ना, मन तो है, सन्नी पंचेंद्रिय प्राणी तो है। अब मिथ्या तो मोनिय कर्म रहेगा तो उनका विचार कैसा बनेगा, उनके विचार भी तो उसी प्रकार के बनेंगे ना, तो उनके भी तो लेयर चढ़ते जाएंगे। मान लो यू केम फ्रॉम द हेवन लाइफ, यू केम फ्रॉम द हेवनली डिटीज गॉड एंड गॉडेसेस व्हाटएवर इट, तो स्वर्ग में देवी देवता हुए तो क्या हो गया, वहां तो देवी देवता कोई आत्मा थोड़ी दिखाई देता, वहां उनको मोक्ष थोड़ी दिखाई देता है, वहां उनको कोई कर्म पुण्य नहीं दिखाई देता है। वो भी बोलेंगे अपनी लैंग्वेज में, वैसे ही भाषा वो भी बोलेंगे सर। हम ही मानते हैं मिथ्या तो मोनिय कर्म नया, ऐसा मत सोचिए, वहां के लोग भी मान रहे हैं। अब वो भी कर्म बांध रहे तो उनके कर्मों के हिसाब से उनका चल रहा है, तो देवी देवता भी नर स्वर्ग में रह करके रोज मिथ्या तो मोनिय कर्म बांध रहे। कोई देवी देवता के मिथ्या तो मोनिय कर्म और मनुष्य के हमारे मिथ्या तो मोनिय कर्म, कर्म कर्म में कोई फर्क नहीं है। मिथ्या तो मोनि भी कर्म बन गया, सबके कर्म एक सरी गई है। अब कर्म बांधने के लिए जो पाप किया जाता है उसके तरीके अलग अलग है। आपने सोच करके, किसी ने बोल करके, किसी ने आचरण करके, किसी ने कुछ करके, अलग अलग तरीके से बांधते हैं। तो जो बांधते हैं तो कार्मण वर्गना तो एक शरीर की है, आत्मा सबकी एक शरीर की है। कार्मण वर्गना तो आत्मा पर ही लग रही है, ना तो शरीर पर लग रही है, ना मन पर लग रही है, ना इंद्रियों पर लग रही है, किसी पर नहीं लग रही, सिर्फ आत्मा पर ही लग रही है। फिर आत्मा पर लगे तो कर्म बनेगा ही बनेगा, और कर्म बनेगा तो सबका एक शरीर का ही बनेगा, और एक शरीर का कर्म बनेगा तो अब कर्म की लैंग्वेज हो रही। ये लैंग्वेज किसकी है, मैं बोल रहा हूँ आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, कर्म नहीं है, पुण्य पाप नहीं है, अरे छोड़ो यार, खाओ पियो मजाक करो, जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये लैंग्वेज किसकी है? ये लैंग्वेज मिथ्या तो मोनिय कर्म की है। अब हमको तो ना आत्मा दिखाई दे रही है, ना कर्म दिखाई दे रहा, लेकिन कोई ऐसी लैंग्वेज बोलेगा तो वी विल हर्ट द पर्टिकुलर वर्ड्स। अब उनके शब्द तो हम सुनेंगे, हम शब्द सुन करके समझ लेंगे, भाई साहब ये तो ऐसा युवक है, ये तो ऐसा युवक है, तो एक माँ सोचेगी भाई आवा ने कहीं मारे दिखड़ी ना पाए, मैं मेरी कन्या इसको दे दूंगा तो इसके पीछे मेरी बेटी की भी जिंदगी खराब हो जाए। वो तो कुछ मानता ही नहीं है,
आत्मा भी नहीं मानता है, मोक्ष भी नहीं मानता है, कर्म धर्म भी नहीं मानता है। अब वो कुछ भी करेगा, कैसा भी करेगा, ऐसा जीवन जिएगा, है ना, करता आपने अपनी दिखरी हवाने नहीं आप पे भाई। अब क्या करेंगे, आज कौन सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देख करके कौन बेटी दे रहा है। आज तो बंगला गाड़ी पैसा मकान देख लिया, बस बस चलो दे दो भाई, बहुत सरस आपने दिखरी सुखी दशे ने का बंगलो केटलो मोटो छे, नी पासे बे गाड़ियों केटली मोटी छे, वाह भाई वाह, चलो दे दो अपनी कन्या की शादी कर लो। अब ऐसे कर लेंगे तो फिर जो है वो तो कभी उसकी जिंदगी में मानेगा ही नहीं, तो आपकी बेटी कल कैसी हो जाएगी सर। अब कौन देखने वाला है, सम्यक दृष्टि देख करके कन्या देने वाले माँ बाप कहाँ है सर। तो पहला तो ये प्रश्न आएगा, माँ बाप को भी सम्यक दर्शन है कि नहीं है सर। तो ये चिंता करेंगे तो जाने दो, छोड़ो ना, अभी आपने क्या लाओ, आलो जेम छे माफी। यही तो आखिर मैना सुंदरी को भी दी तो श्रीपाल के साथ शादी कराई, उस समय तो श्रीपाल की उम्र राणे के रूप में परिस्थिति कैसी थी, लेकिन फिर भी प्रजापाल राजा ने शादी कराई तो क्या देखे कराई, उनको तो चाहिए ही नहीं था, वो तो मानते ही नहीं आत्मा को, इसीलिए तो अपनी बेटी को ऐसे को दे रहा है। लेकिन वही श्रीपाल एक दिन ऐसी नौबत आती है कि वो भी ग्रंथि भेद करता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, देव गुरु धर्म का उपासक आराधक बनता है, तब मैना का स्वप्न पूरा होता है। मैना तो पहले पिछले जन्म से सम्यक दर्शन प्राप्त करके आई, कोई पत्नी बनकर पति को सम्यक दर्शन प्राप्त करा दे तो बहुत बड़ी बात है सा। तो श्रीपाल अपनी वाइफ पत्नी होते हुए मैना सुंदरी को अपना गुरु मान रहा है कि मने धर्म करावनार मैना छे, मने धर्म पमाड़नार मैना छे, मने देव गुरु धर्मनी ओळख करावनार मैना छे, मने सम्यक दर्शन मा पण लावनारी मैना छे। तो ये कहता है कि संसार मा परण्याची एटले पत्नी छे, बाकी मने धर्म शिखवाड़नार गुरु छे मार। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सा, कोई पोता नहीं पत्नी ने गुरु मानी ले तो पछी बहुत सारा मन सारो थी जाए, घणो सरस थी जाए। जनक भाई बोलो, तमे 500 पत्नी ने गुरु मानसो, तमने करावड़ावे ते शिकारे तो मानवा ना, नहीं साहब मानवुज पड़े, आ मानवुज पड़े तो आ तो बहुत सरस नियम छे, जे तमने सम्यक्तो तरफ ले जाए ये तमारा गुरु ज करे। हां बरोबर छे, बिल्कुल करजो एलसेबेन, तमे पण जैसे तुम्हारा श्रावक ने सम्यक दर्शन पमाड़ जो, तो कोई भी पमाड़ो ने जे पाम्या छे ज पमाड़ी सकशे, जे पोते नहीं पामे होय तो कोने पमाड़शे। नहीं तो ये तो एक जन्म का मेला है, कबूतर पेड़ के ऊपर आकर बैठा है, जाने वाले तो होय, बाप कहाँ जाएगा, बेटा कहाँ जाएगा, पत्नी कहाँ जाएगी, पति कहाँ जाएगा, एक स्वर्ग में जाएगा और दूसरे नरक में जाएगा, ये भी होने वाला है। तो अगर आप जो है दोनों साथ में स्वर्ग में चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और दोनों ही जो है दूसरे भव साथ में करते करते कल मोक्ष में भी चले जाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये तो होना ही चाहिए सर, क्यों नहीं करना है, पहले करना है। पति पत्नी तो संसार के संबंध है, आत्मा तो अलग है ना, आत्मा तो स्वतंत्र है, आत्मा मिथ्या दृष्टि होती है। कोई पत्नी मिथ्या दृष्टि होती है कि नहीं होती है, वो तो आत्मा के साथ संबंध है। अगर आप प्रयत्न कर लेते हो और सामने वाले को भी आप उसकी कक्षा आत्मा कक्षा जागृत कर देते तो बहुत अच्छी बात है। ये श्रीमती जी वखारिया जी देखिए, इन्होंने भी अपनी तरह से पति को भी ऐसा जुड़ा है, दोनों रंग से रंग गए हैं साथ। ऐसे कपल्स तो बहुत रेयर मिलते हैं कि दोनों एक साथ में एक रंग में जुड़े हुए। ये भी अपनी तरह से बालकों को शिक्षा देकर, धार्मिक शिक्षा देकर पढ़ाए लिखाए सिखाए। इनके मिस्टर सुनील भाई वो भी पढ़ाए लिखाए सिखाए, दोनों ही रंग के साथ में एक शरीर के धर्म के रंग में रंगी होकर के चले। तो अब इससे बड़ी ज्यादा और क्या उपलब्धि चाहिए सर, पैसा टका का तो कोई सवाल ही नहीं है। कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा, कोई करेगा कुछ भी करेगा सर, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप अपनी तरह से निष्ठा बनाइए, कैसे भी करके साथ आप जिनके साथ जुड़े हैं, संबंधों से बंधे हुए हैं, उसकी भी हित चिंता जरूर करो। खैर
उसको भी आप जरूर जोड़िए। राग द्वेष करके, क्लेश कसाय करके, किसी के भी साथ गांठ बंद करके भाव नहीं बिगाड़ना है। पत्नी है तो पत्नी है, मैंने शादी की है, मैं उसको लेने के लिए गया था, लाखों रुपए खर्च करके शादी करके मैं लेकर आया हूँ, तो अब मुझे जो है जैसे निभानी चाहिए कि नहीं। अब मैं पत्नी की हजार बात करूं, आविच्छेद तेवी छे, अरे भाई जो है वो है, बस आप अपनी तरह से उसे भी धर्म के रंग में रंगो और दोनों अपने साथ में कल्याण करो। पत्नी है समझ करके, क्लेश कसाय करके, जैसे तैसे गाली गलौज के शब्दों से भूलकर कर्म बांधोगे तो पत्नी भी 10 जन्मों तक साथ में आपके साथ में चलेगी, तो वो भी कर्म बांध के चलेगी। अगर आप पति हो और पति के रूप में कर रहे हो, अगर आप बेटी हो बेटी के रूप में कर रहे हो, अगर आप बाप हो, मैं कह रहा हूं संसार के संबंध बड़े नहीं है, आप संबंधों से जुड़ गए हो तो परस्पर दोनों का कल्याण करने का हित सोचिए। दोनों का नेम राजुल भी तो पति पत्नी थे, 9 जन्म से पति पत्नी के रूप में साथ में चल रहे थे। आखिर संसार है, आपने कन्या का जन्म लिया है तो किसी न किसी की पत्नी तो बनना ही बनना है, और गलत क्या है इसमें, कोई गलत नहीं है, ऐसा संसार के संबंध है तो कोई संबंधों को गलत नहीं कहा गया। लेकिन नेम राजुल ने 9 भाव बिगाड़े नहीं है, राग द्वेष करके, क्लेश कसाय करके गांठ बांधती नहीं है। लेकिन मरुभूति और कमट 2 सगे भाई होते हुए यहाँ बड़े भाई ने गलती करके संबंध बिगाड़ दिए। अब वो बड़ा भाई कमट मरुभूति के लिए 9 भाव में आगे के भाव में दुश्मन बन गया। आखिर है तो अनंतानुबंधी कसाय ही तो है, अब अनंतानुबंधी के कसायों को करके किसी का भी निमित्त लो, आप बेटे के नाम से कसाय करके गांठ बांधोगे आप दुश्मन बनोगे, पत्नी के नाम से गांठ बांध करके क्लेश कसाय करोगे आप पत्नी के साथ दुश्मन बनोगे। आप आज का जन्म मत देखिए, मात्र वर्तमान का भव मत देखिए, मात्र वर्तमान के संबंध मत देखिए, अब उसके ऊपर इसके ऊपर हमारे भविष्य के सैकड़ों भव खड़े हैं, भविष्य के सैकड़ों भव हमारे हैं। वर्तमान का जन्म, वर्तमान के संबंध आपके अच्छे हैं खराब है, चलो जो है उसको भूलने की कोशिश करो, आगे ज्यादा बिगाड़ने नहीं है। अब ये क्लेश कसाय की गांठ यहाँ से लेकर आगे के भव में जाना नहीं है। अब ध्यान से समझिए, ये कर्म आपने अपूर्व करण करके खोल तो दिया, ग्रंथि भेद कर तो दिया, यथा प्रवृत्ति कर्म की अपूर्व करण किया, कितनी मेहनत लगी, कितना टाइम लगा, कितना काल लगा, ये आपने 8 महीने में समझ लिया, इससे आपको ख्याल आ गया कितना कठिन काम है, कितना कठिन काम है। नाम रखा है महावीर स्वामी ने, उसको संज्ञा दिए अपूर्व करण, क्यों ये नाम रखा है, क्यों इतनी बड़ी भारी संज्ञा दी है, और इतनी भारी संज्ञा दे करके हमको समझा कर क्लियर किया है अपूर्व। अरे भाई साहब आपने पहले कभी किया ही नहीं है, ऐसा अपूर्व है ये, तो ये आपको समझना है कि इतना अपूर्व करण करना है, आत्मा को इतनी बड़ी शक्ति इसमें प्रयोग में लानी है, इतनी बड़ी करण शक्ति का हम उपयोग करेंगे तब जा करके होगा। तो ऐसे कर्म को यथा प्रवृत्ति करण किया, 1 बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार नहीं 1000 बार नहीं, शायद संख्यात बार, शायद असंख्य बार यथा प्रवृत्ति करण किया, पता नहीं है सर, लेकिन फिर भी करते करते चरम यथा प्रवृत्ति करण, लास्ट यथा प्रवृत्ति करण किया, और उसके बाद में अपूर्व करण किया। आखिर अपूर्व करण करके हमने गांठ खोली, और गांठ खोली तो सब में दर्शन आपको कौन सा कितना हुआ है, इधर देखिए। अब जब भी आपको सब में दर्शन हुआ तो इतने ही बाद में हुआ, कितना पोर्शन गया है इधर देखिए, दिख रहा है परसेंटेज,
अब कर्म बचा हुआ कर्म मिथ्या तो मोहनी का है कितना, और अंदर आपका सम्यक दर्शन जो गुण प्रकट हो गया है वो कितना है, तो वो कितना दिख रहा है परसेंटेज आपको, उससे समझिए उपशम सम्यक तो हुआ पहले। उपशम सम्यक तो जब आपकी विशुद्धि आत्मा की थोड़ी आगे चलेगी तो क्षायोपशमित हो जाएगा, लेकिन अभी 90% कर्म का आवरण बाकी है, 10% में आप इतने राजी हो रहे हो, 10% में वो पॉसिबल है कि कल ये कर्म वापिस ऊपर आ जाएगा तो सम्यक दर्शन चला भी जाएगा। अभी परिश्रम बीते महावीर स्वामी की लाइफ आपने सुनी है, तीसरे मरीची के भव में अब भगवान के पौत्र हुए हैं, भरत चक्रवर्ती के बेटे हुए हैं, और आदेश्वर भगवान के पास में और उनके साथ में दीक्षा ली है। प्लस पॉइंट कितने हैं आप गिन लो, पहले पहले नैसार के भव से सम्यक दर्शन प्राप्त करके आए हैं, दूसरे भव में देवलोक में सम्यक दृष्टि थे और वहां से उतर कर आकर के आदेश्वर भगवान के कुल में पैदा हुए, भरत चक्रवर्ती के बेटे हैं। अब आप सोच लो भगवान का पौत्र बनकर के जन्म लेना कोई कम पुण्य है क्या? चक्रवर्ती के बेटे बनकर के जन्म लेना ये कोई कम पुण्य है क्या? जब आदेश्वर भगवान के साथ में इनको दीक्षा लेने का मौका मिल रहा है, आदेश्वर भगवान ने दीक्षा ली तब 4000 जनों ने साथ में दीक्षा ली, इन 4000 के अंदर ये मरीची खुद एक साथ में है, तो ये कम पुण्य है क्या? इसको कम कहते हैं? भगवान के पौत्र, भगवान के साथ दीक्षा और भगवान के शिष्य बन करके, अब इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए सर? बहुत रेयर मिलता है ऐसा चांस, लेकिन अब करना क्या? एक स्वार्थ आया, तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो सोचा कोई शिष्य हो जाए तो मेरी सेवा करेगा। अब ये विचार सबको आता है कि नहीं आता है? हर किसी को, कांति भाई आपने उम्र ले थे ने गर्रा थे अबे दीकरो आपने सेवा करे, ये आपको विचार आना कोई गलत है क्या? नहीं। क्यों गलत क्या? बेटा सेवा नहीं करेगा बाप की तो कौन करेगा? क्यों नहीं करेंगे विचार? हर कोई विचार करता है, अपारुण बहन नहीं करता है, उन्हें चिंता नहीं, नहीं तो नहीं सही, चलो आपके जैसे नहीं करते, यू आर एक्सेप्शन इन दैट। लेकिन सर जी अमेरिका में इट्स नॉट पॉसिबल, नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग, यू हैव टू, अमेरिका या किसी से कोई मतलब नहीं, रिलेशन इज रिलेशन एंड रिलेशंस आर एवरीवेयर, अमेरिका से कोई मतलब नहीं है सर, सबके लिए वहां सब चाहते हैं, कंडीशन इज टोटली अपोजिट, दैट इज डिफरेंट थिंग। But the expectation of the father from the brother से सोचो, आप father ने अपने son से अपेक्षा रखी तो कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ मरुभूति, अरे ये मरीची जो है ये स्वयं होकर के अपनी एक इच्छा हो गई कि मैं किसी को दीक्षा दे दूं, मेरा कोई शिष्य बन जाए तो मैं भी भाई कल बुजुर्ग हो जाओ, बुढ़ा हो जाओ तो मेरी कौन करेगा, बस ये विचार आया, उनको इच्छा हुई। और योगानुयोग देखिए सामने कपिल आ गए, तो कपिल आया तो भी उन्होंने अपना स्वार्थ सामने नहीं रखा, कपिल को कहा जाओ भाई आदेश्वर भगवान के पास दीक्षा लो, मैं तो इस समय त्रिदंडी बन गया हूँ, मैंने तो दीक्षा बिगाड़ दी है, मैं त्रिदंडी बन करके मैंने तो अभी जो है छत्र चावर धारण कर लिया, ऐसा वैसा उन्होंने अपना रूप बताया, तो कपिल ने सामने से थोड़ा सा क्रॉस आर्ग्यूमेंट किया, क्यों भेजते हो मुझको वहां पर आदेश्वर भगवान के पास, क्या आपके पास धर्म नहीं है सही? बस इतने से एक एक पॉइंट आया इतने में, और मरीची ने बोल दिया भाई कपिल देखो धर्म तो वहां पर भी है और धर्म मेरे पास भी है। ओनली वन सेंटेंस, बस इतना सा बोला है ताकि सोचा कि भाई कपिल जैसे हम जी जाए ने मारी पास से दीक्षा ले ले, तो दीक्षा देने का स्वार्थ या शिष्य बनाने का स्वार्थ बड़ा नहीं था। द सेंटेंस
the meaning in which method he used that. उन्होंने जिस प्रकार से बोला है, हे कपिल, जे धर्म आदेश्वर पासे छे, एक धर्म मारी पासे पण छे, बन्ने पासे धर्म तो सरखो छे ने, कई वांधो नहीं भाई। अब ये बात उन्होंने कैसे समानता कैसे बना दी, एकदम खुद तो त्रिदंडी बने हुए, खुद तो बिल्कुल उल्टे चल रहे, और भगवान आदेश्वर के पास के, और 8 दिन तक सबको आदेश्वर भगवान के पास भेज रहे थे, जाओ भेजाओ, जाओ उधर जाओ, नहीं भगवान के पास जाके दीक्षा। आज पहली बार मरीची ने एक कपिल को जो है अपनी तरह से ये शब्द कहकर अपने पास दीक्षा दे। बस इतने में इधर देखिए क्या हुआ, इतने में ये कर्म जो है वापिस ऊपर आ गया। बड़ी मेहनत से जो ग्रंथि भेद करके गांठ खोली थी, सम्यक दर्शन पाया था, आज उसकी वॉमिट हो गई, वो सम्यक दर्शन फिर हाथ से चला गया, और ये मिथ्या तो मोनीय कर्म फिर बन गया, तो अब ये कर्म अपने वापिस आपको उसी भव चक्र में चलाएगा। मिथ्या तो मोनी जो पहले था वो यहाँ जाया वापिस, अब क्या करना, सर जन्म तो चलेंगे कि नहीं, भव तो चलेंगे कि नहीं, संसार तो चलेगा ही चलेगा, बाकी के कर्म तो है ना। इधर ये जो है कौन सा है, ये आयुष्य कर्म है। अब इधर से जिस प्रकार के जो कर्म है वो अपने अपनी तरह से सब कर्म आपके चलेंगे, संसार चलेगा, जीवन जिएंगे। 84 लाख पूर्व का आयुष्य मरीची का, और रहते आदेश्वर भगवान के साथ में। अब सोचो आप, इससे ज्यादा और प्लस पॉइंट क्या है। हमारा तो आज ये प्लस पॉइंट नहीं है, हम तो पंचम काल के कलयुग में आज हैं, और आप तो अटलांटा में और यूएसए में और न्यूजर्सी में और कहां कहां डिस्कल में हो आप लोग तो। अब कोई कहां है, कोई कहां है, क्षेत्र से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन मरीची तो आदेश्वर भगवान के पास, भगवान के साथ विचर रहे थे। और जब भरत जी पूछने के लिए आए, तब आदेश्वर भगवान ने मरीची की इतनी बड़ी प्रशंसा कर दी, हे भरत, आ तारो पुत्र मरीची इतनो महान छे। इस समय की बात तो ठीक है, लेकिन भविष्य में भी ये वासुदेव बनेगा, ये चक्रवर्ती बनेगा, और ये तीर्थंकर बनकर और मोक्ष में जाए। अब आदिनाथ भगवान जो है मरीची की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, और भरत चक्रवर्ती जी को उसके इस बड़े पद का इतना एहसास करा रहे हैं, और तब ये सुनकर के तो भरत जी गदगद हो गए। एक तरफ तो पोतानो दीकरो छे, एक तरफ तो अपना ही बेटा है, और उसके लिए भगवान ने भविष्यवाणी कर ली, तो भरत जी तो नाचने लग गए, और भरत जी तो खुश होकर के मरीची को नमस्कार करने, वंदन करने के लिए आ गए। और उस समय ये भाई साहब तो अपने त्रिदंडी पने में बैठे हुए, इन्होंने तो छत्र रखा है, भगवा कपड़ा रखा है, दाढ़ी मूछ रखी है, पैर में खड़ाऊ पहना, ये तो अपनी तरह से इस कक्षा के, अब करना क्या। लेकिन भरत जी ने एट प्रेजेंट क्या है ये देखना ही बंद कर दिया। व्हाट इज द प्रेजेंट कंडीशन, अभी की वर्तमान परिस्थिति भरत जी ने नहीं, भगवान ने क्या कहा है उन शब्दों पर ध्यान दिया। भविष्य के वासुदेव है, भविष्य में होने वाले चक्रवर्ती है, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर है। हे भरत, मैं इसी अवसर पीढ़ी का पहला तीर्थंकर हूँ, और तेरा बेटा ये मरीची इसी 24 का अवसर पीढ़ी का अंतिम तीर्थंकर होगा। तो भरत जी ने तो अपनी आंखें बंद कर ली, अभी मरीची छे, त्रिदंडी छे, जे छे, ते छे, मारे कई लेवा देवा नहीं। वो सामने से आकर के उनको तीन प्रदक्षिणा दे करके वंदन नमन करते हैं। तो मरीची ने ये पूछा, आप क्या कर रहे हैं, आप तो पिताश्री है, बाप बेटे को वंदन नहीं करता है, आप क्या गलती कर रहे हो। तब मरीची ने भरत जी ने कहा, बेटा
હું તને દીકરા તરીકે વંદન નથી કરતો, તું ભવિષ્યમાં વાસુદેવ થનાર છે, તું ચક્રવર્તી થનાર છે, અને તું જે છે તીર્થંકર થનાર છે, માટે તારા ભવિષ્યના રૂપને વંદન કરું છું. બસ એ સ્પષ્ટીકરણ કરકે ભરતજી તો નિકલ ગયે. અબ કોઈ ભી સુને તો ભાઈ સાહેબ ક્યાં લગેગા, કાંતિભાઈ આજે આપણને જ કોઈ કહે તો આપણને કોઈ ખોટું લાગે કે સારું લાગે કે કેટલું ગૌરવ લેવાનું થાય, ગદગદ થાય. વાહ વાહ, સમજાય કે નહીં? ગૌરવ લેને કામન હો જાય ભાઈ સાહેબ. અરે વો ભવિષ્ય કી બાત તો જાને દો, આજ કિસી કો બોલતે હૈ કે આ તો બિલકુલ નરેન્દ્ર મોદી જેવો છે, આ હિન્દુસ્તાન નો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થયો છે, મોદી ની પછી જે છે એનો નંબર, તો વો તો નાચને લગ જાતા હૈ, આજ હી નાચને લગ જાતા હૈ. होगा कि नहीं होगा वो बात बात, लेकिन यहाँ तो डाउट का भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि आदेश्वर भगवान की भविष्यवाणी, ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट तो है नहीं, ये कोई आज की बात तो नहीं की जा रही है ना, ये कोई ग्रहों के आधार पर थोड़ी की जा रही है. ओहो, लास्ट 24 के अंतिम तीर्थंकर, इतने बड़े काल की, इतने बड़े लंबे टाइम की भविष्यवाणी तो कोई केवल ही कर सकता है, बाकी तो पॉसिबल नहीं है. जब इतनी बड़ी बात कर दी भविष्यवाणी की, तो मरीची को लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिया कितना लगेगा, कितना फील होगा? सोची, वो अलग विषय था, उसमें उन्होंने नीच गोत्र बांधा है, लेकिन कपिल के सामने यहाँ पर अपना धर्म आदेश्वर भगवान जैसा ही है ये कह करके वापिस मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बांध लिया. दोनों अलग अलग कर्म है, तो कोई भी एक व्यक्ति अपने जीवन में सैकड़ों कर्म बांध सकता है ना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के कर्म बांध सकता है. कपिल का दिवस आया था, वो दिन अलग था. आज मरीची ने भरत जी आकर के वो बोले ये कर्म अलग था, तो ये कर्म अलग बंधा है, इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है. सम्यक दर्शन को इससे धक्का नहीं लग रहा है, कपिल के सामने जो शब्द दिए उसका धक्का लग रहा है. जब ये मरीची के जीवन में हो सकता है तो कल हमारे जीवन में नहीं हो सकता है क्या? जब वहां तो आदेश्वर भगवान हाजिर है, भगवान सामने खड़े हैं, और ये भगवान के बेटे हैं और भगवान पौत्र हैं और भगवान के शिष्य भी हैं. लेकिन बड़ा आश्चर्य क्या हुआ, ये भाई साहब ने मिथ्यात्व मोहनीय कर्म नया बांधा, लेकिन प्रायश्चित नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, आयुष्य पूरा हो गया, चले गए तो मिथ्यात्व साथ में ले गए. अब क्या करना, अब भव चलेंगे, अब भव बढ़ेंगे, अब भव संसार बढ़ जाएगा. पहले भी आपने सीखा है मिथ्यात्व मोहनीय के कारण भव संसार बढ़ता है, सम्यक दर्शन के कारण भव संसार घटता है, मिथ्यात्व मोहनीय के कारण अनंत भव बढ़ते हैं, भव संसार चलता है, और सम्यक दर्शन के कारण प्राप्त होने के कारण सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही शेष बचता है. अब मैं सब तो रिपीट नहीं कर सकता हूँ, 8-9 महीने में आप काफी सीख चुके हो, ये बेसिक प्रिंसिपल आपने जान लिया. क्यों हम ग्रंथि भेद करें, क्या जरूर है ग्रंथि भेद करने की, क्या काम क्या है इसका? तो पहली बात यह है कि सम्यक दर्शन ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने से हमारा अनंत का बहु संसार घट जाता है, हमारा मोक्ष निश्चित हो जाता है, अर्ध पुद्गल परावर्त काल ही शेष बचेगा. अब इतने काल में हम मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे, भले ही वापस दोबारा कर्म बंध मिथ्यात्व मोहनीय का हो भी जाए, तो भी वो वापस हम जल्दी से क्षय कर लेंगे, फिर क्षय करके हम वापस जो है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, और फिर उसने ही अर्ध पुद्गल परावर्त काल में हमारा मोक्ष का अब बहु संसार बढ़ेगा नहीं. ये सब हम पहले सीख चुके हैं, मेहरबानी करके भूलना मत. बहुत बहुत बड़ी मेहनत से आपने प्राप्त किया है, समझा है, सीखा है, प्लीज आप नोट्स करके सामयिक में स्वाध्याय करने में रखना,
भूल जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी सर। बहुत बड़ी मेहनत से आपने सीखा है, शायद 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए वो बड़ी मेहनत नहीं है, 1 लाख रुपए तो हम वापिस कमा लेंगे, ये चला गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं विश्वास रखता हूँ इतने 8-9 महीने की मेहनत से जो आपने प्राप्त किया है वो बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, जिंदगी के लिए सारभूत है। हम भले जिंदगी में 28 मास्क्रमण नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन ग्रंथि भेद कर ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, बड़ी सिद्धि है, ये पहले समझ करके चलिए सर। मैं तो नॉनस्टॉप बोलता ही गया सर, घड़ी तो देखी नहीं मैंने, अब घड़ी देखो तो समय बीत जाता है। आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन पहली करनी थी यहाँ सर, पर्यूषण के बाद आज हमारी पहली क्लास है, पहले तो खमत कामना करके सबको मिच्छामि दुक्कड़म करना था, लेकिन मेरी कैसे रहसी वो बटन दबाया तो चालू हो जाती है, बोलने लग जाता हूँ सर। ठीक है, बहुत बहुत खुशी की बात है कि हम आगे बढ़ेंगे। अब ग्रंथि भेद के बाद के जो विषय है उस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। अभी हम राजी जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी अपूर्व करण के बाद एक अंतर करण है, फिर उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का आनंद कैसा होता है, फिर उस कक्षा में और जितने स्टेप बाय स्टेप आते हैं तो हम थोड़े उस विषय में चलेंगे। आपको प्रतीति होगी कि हमको सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रिकॉशंस हमको लेने चाहिए कि वापिस जो है इसके ऊपर नया कर्म न लग जाए, फिर कल नया कर्म का आवरण आ गया तो कल वापिस मेहनत पानी में चली जाएगी और फिर मिथ्यात्व मोने का नया कर्म बन जाएगा तो क्या होगा, ऐसा न होने देने के लिए हमको क्या करना है, फिर आगे आगे हमको आगे कैसे आगे बढ़ना है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। मोक्ष मार्ग के अंदर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति, दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप है ये, अभी तो आगे बहुत लंबा है। आज से गिनती कर लो तो 1 साल और लगने वाला है, आज से 1 साल और लगने वाला है, तब तक जो है हमको बहुत कुछ इसमें अभ्यास करना है, बहुत कुछ इसमें सीखना है, लेकिन ये एक पहला हिमालय चढ़ चुके हैं, एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा है। एवरेस्ट चढ़ने में जितनी कठिनाई नहीं है, हर्डल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है, उससे ज्यादा तो इसमें थे। तो हमने 8-10 महीने इसमें ये मेहनत करके हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब 1 साल तो और आगे लगने ही वाला है। आगे मतलब वो अब आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाना है ना, यहाँ तो हमने पहली शुरुआत की, अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर पहली उपलब्धि है, लेकिन आगे तो मोक्ष तक चलेंगे। अब आप लोग यहाँ तक टिके हो, आपने अभी तक क्लास छोड़ी नहीं है, आप ज्वाइंट है क्लास में रह रहे हो, चल रहे हो, तो जस्ट आई होप आगे भी, मैं आशा रखता हूँ कि आगे की भी क्लासे आप जुड़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे। क्लासे भले ही कितनी भी है, और भी नई क्लासे चालू होने जा रही है, मैं ये आग्रह नहीं करता हूँ कि सभी क्लास आप ज्वाइन करिए, लेकिन ये क्लास मत छोड़ना। आपका इंटरेस्ट जो बना रहा है तो ये क्लास जो है हमारी चलनी चाहिए था। अब हमारे लिए एक समस्या है, कल फिर रविवार है और कल वापिस 14 है यहाँ पर, और सब लोगों को प्रतिक्रमण भी कराना होता है, 2-2.5 घंटे लगते हैं, प्रतिक्रमण 9:15 तक पूरा नहीं होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब क्लास आगे पीछे करने जाओ तो किधर करो, कब करो, इधर देखो तो गंधर्वाद की क्लास आती है, उधर देखो तो कर्म की क्लास आती है, तो दोनों तरफ हमारा थोड़ा सा ऐसा होता है। चलेगा, करेंगे आगे की क्लास के लिए। जितना भी समय लगे हमें ये जो भी दूसरा डूंगर है वो आहिस्ता आहिस्ता भी चढ़ना है और हमें आराम से सीखना है, क्योंकि वो हमें भवांतर भवन भव भव तक हमें याद रहे और वो हमें गाइडिंग लाइट दे, हम आगे वही दिशा में जाए, बस इसीलिए आपकी विनंती है। और तो ये आप जैसे सही समझे, आप जो गति से करना चाहे कीजिए, कोई हमारे वहां से कोई
वो नहीं है कि आप जरा जल्दी कीजिए या स्लो कीजिए, ये कवर कीजिए वो कवर कीजिए, आप जैसे जा रहे हैं वैसे जाइए, हमें तो बस ज्ञान लेना है। आपके सुविधा देख हम चाहते हैं, मेक श्योर कि आपको टाइम है और कल का जो मांगलिक रखा गया है, आई थिंक दैट वुड बी द बेटर थिंग फॉर अस। मुझे एक ये अभी सवाल हुआ है कि ग्रंथि भेद में जैसे हम नए नए डिक्शनरी के वर्ड्स नए नए आते हैं, यथा प्रवर्तिकरण से नाम शुरू हुआ है और अब तक हम नए नए नाम आते हैं, चर्माव्रत चर्माव्रत वगैरह वगैरह, तो ऐसी एक समरी है जो एक लाइन में सब लिख दो और बाद में एक एक प्रकरण के बाद आप बता सको कि आप यहाँ तक हम पहुंचे हैं और बाद में वहां जा रहे हैं, तो क्या होगा कि सब विद्यार्थियों को याद शक्ति ठीक रहे और हम ये नोट कर लेंगे या कोई बुक में होगा, तो क्योंकि आपकी पद्धति इतनी सरल है ना, तो हमें पता लग जाता है कि कैसे हम ये ग्रास्प कर लेते हैं जल्दी, क्योंकि कई लोग बुक्स पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें यूं कैसे लिखा है, तो अभी बुक के पढ़ना ही छोड़ दिए। Organize it and put it very good. Anandi bhai and Arul ben, I would suggest, मेरा विनंती है कि आध्यात्मिक विकास यात्रा आप लोग बारीकाई से पढ़े और उसमें से जो भी आपको शब्द दिखे, जो भी शब्द अभी महाराज साहब बोल रहे हैं, वो सब वही तीनों तीन वॉल्यूम्स के अंदर है, तो आप वो आध्यात्मिक विकास यात्रा को बारीकाई से पढ़े, वहां से शब्द निकाले और आपको जो भी डिक्शनरी बनानी है आप बनाइए। गुड आइडिया, थैंक यू, बाय बाय। विजय भाई, मथुर वंदामी साहब जी, आपने जो अभी मरीचि की बात की और सम्यक दर्शन जिस इंस्टेंस से उसने खोया, तो इसके निमित्त तो बहुत प्रबल निमित्त, तीर्थंकर के अलावा तो निमित्त तो प्रबल हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसके मोहिनी कर्म जो आपने बताया कि जो कषाय उभरा वो इतना तीव्र होगा, ये तो तीव्रता से उसका वीर्य भी उतना ही पावरफुल था, तो ये कहाँ कचास आई उनमें, एक क्षण था क्योंकि दूसरे को तो उन्होंने भेज दिया था कि वहाँ धर्म है, तो ये कैसा इंस्टेंस था, इसका जरा डिटेल करेंगे कि ये जो संघर्ष हुआ उसमें कैसे वीर्य का टिपिकल पॉइंट इतना ही है, कपिल को कहा उन्होंने कि धर्म आदिनाथ भगवान के पास, अकॉर्डिंग टू एज यूजुअल रूटीन, जब भी कोई भी आता था तो मरीचि अपनी तरफ से सबको आनेश्वर भगवान के पास ही भेजते थे। कपिल के प्रति एक तो मन में स्वार्थ आ गया कि मुझे इसको शिष्य बनाना है, और कपिल भी वैसी मेंटालिटी वाला आ गया, अब मुझे वहां क्यों भेजते हो, आपके पास नहीं है क्या धर्म, और वो टाइम वो जो है चुप गए, बस उसी टाइम में उनका स्वार्थ बढ़ गया आगे और उन्होंने फटाक से बोल दिया, अरे कपिल हाँ 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 हाँ, जैसा धर्म आदेश्वर भगवान के पास है मेरे पास भी तो वैसा ही है, चलो 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 आ जाओ, ठीक है। ये कंपेरिजन, आदेश्वर भगवान के पास 100% शुद्ध धर्म और खुद के पास 100% अशुद्ध धर्म, त्रिदंडी पने का, एंड दैट कंपैरिजन विथ रियल थिंग के साथ आर्टिफिशियल, अब आप भी जानते हैं रियल डायमंड इज रियल डायमंड एंड आर्टिफिशियल डायमंड इज जस्ट ओनली द प्लास्टिक पीस, समझे कि नहीं, बट दैट टाइप ऑफ शाइनिंग इन द बोथ साइड, यू सी व्हेन यू आर लुकिंग अबाउट द शाइनिंग, both the side it looks very good shining, अब वहां ब्रह्म में पड़ जाए लोग तो शायद artificial diamond which cost is only 10 rupees but original diamond which cost is 10 lakhs rupees, लेकिन वहां पर वो 10 rupees के लिए भी 10 लाख दे करके आ जाएगा, तो वैसी गलती मरीची ने कर दी, और वो करने के बाद भी उनको ये नहीं लगा कि मैंने गलती की है। मैंने बार बार आपको कहा है कि ये सिर्फ आत्मा के अध्यवसाय में परिणामों की धारा पर ही अवलंबित,
ये फिजिकल चीज तो है नहीं, ग्रंथि वेद और सम्यक दर्शन और ये कोई बाहर की फिजिकल चीज नहीं है। सिर्फ आत्मा में चलने वाले जो हमारा थॉट लेवल्स है, परिणामों की धारा जो चल रही है, करण भी तो उसी में करना है। चाहे आप यथा प्रवृत्तिकरण करो, चाहे अपूर्व करण करो, चाहे अनिवृत्तिकरण करो, वो सब कुछ आत्मा के अध्यवसाय में ही होने वाला। अब उसके अंदर मरीची गलती कर भी गए, ये अंदर की आत्मा में हो रही है, अब किसी को पता नहीं चल रहा है। सर भगवान को केवल ज्ञान है इसलिए उनको पता चल रहा है, लेकिन इधर ये भाई साहब अपनी तरह से उसकी क्षमा याचना भी करने को तैयार नहीं है, ये प्रायश्चित करने को भी तैयार नहीं है, ये अपने विचारों को वापस शुद्ध करने को भी तैयार नहीं है। अब इसका तो कोई क्या करेगा, और फिर इनका आयुष्य पूरा हो गया, ये मिथ्यात्व अपना लेके साथ में चले। अब ये सारी चीजें जो है, तो जिस तरह से चलो उनके लाइफ की बात है, लेकिन हम समझेंगे तो हमारे सामने तो 10 गुनी ज्यादा गलतियों के चांस आने वाले। उनका तो प्लस पॉइंट था, पुण्य था, सामने तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है, सब कुछ अच्छा था, और हमारे सामने तो ना कोई भगवान है ना कोई गुरु है, हम तो पंचम काल के कलयुग में बैठे, तो हमारे से तो उनके बजाय भी 1000 गलतियां ज्यादा होने के चांस है। सम्यक दर्शन प्राप्त होता भी है तो इतना इजीली जाता भी है। अब इतनी अवेयरनेस रख करके हम जीवन जिए, ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये बात अभी जो जनक भाई ने बताई, कांति भाई, आध्यात्मिक विकास यात्रा, इट इज ऑलरेडी आई हैव रिटन 1300 पेजेस और काफी डिटेल के अंदर उसमें काफी चीजें, लेकिन फिर भी तो टेक्स्ट है ना, कोई आई कांट रिपीटेडली राइट डाउन 10 times, यू सी इन स्पीकिंग आई कैन रिपीट अगेन एंड अगेन, नो डाउट इट इज पॉसिबल टू एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक मोर सिंप्लीफाई दैट, फॉर दैट पर्पज आई कैन डू रिपीटेडली अगेन एंड अगेन। लेकिन अब टेक्स्ट में तो एक ही बार लिखा जाएगा, आप ये ई बुक जो है, ई बुक के रूप में भी अवेलेबल है, सबके पास है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो ई बुक के रूप में, या चाहो तो हार्ड कॉपी यहाँ से मंगा भी सकते हो और आप उसको अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हो। और मैंने जो 8-9 महीने आपको डायग्राम के साथ एक 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 चीज डिटेल करके समझाया है, वो भी आप सीख सकते हो। अभी इलाबेन जी ने बोला कि हमको इसके टर्मिनोलॉजी की एक छोटी डिक्शनरी बनानी है, वो भी पॉसिबल है सबके साथ, और फिर आप उसकी स्टडी करेंगे, आप स्वाध्याय करेंगे, तो ये हमारे थोड़ा ध्यान के अंदर रिपीट होगा। नहीं तो मैंने कहा कि भाई अब संसार तो सबका ऐसा है, कल हमारे राजवेश के निमित्त आदि तो धक्का लग सकता है, जब मरीची का सम्यक दर्शन वमन होकर जा सकता है तो हमारा भी हो सकता है, क्या हमारा पहले हो सकता है, लेकिन हम उतने अवेयरनेस में रहेंगे तो नहीं होगा। कोई होना जरूरी नहीं है कि मरीची का हुआ तो हमारा भी होगा ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं। महावीर स्वामी के पिछले भव में 27 जन्मों में ऐसा हुआ, लेकिन दूसरे 23 तीर्थंकरों के किसी के भी भव में उनके पिछले जन्मों में सम्यक दर्शन का वमन नहीं हुआ। नेमिनाथ में 9 भव निकाले, मरुभूति ने 9 भव 10 भव निकाले, शांतिनाथ भगवान के 12 भव निकल गए, आदेश्वर भगवान के 13 भव, किसी ने सम्यक दर्शन का वमन नहीं किया, सम्यक दर्शन चला नहीं गया उनका, लेकिन महावीर का हुआ भाई साहब, ये भी बात तो स्वीकारनी पड़ेगी हमको। तो ये जब एग्जाम्पल लेंगे हम, समझेंगे हम, तब हमारी अवेयरनेस और ज्यादा बढ़ेगी। भी मैं तो महावीर स्वामी के भव देखने तो नहीं गया, लेकिन महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद खुद ने ही अपनी पूरी पर्सनल डायरी खोली है, और कोई दूसरा नहीं कहने आया, महावीर खुद अपनी पर्सनल प्राइवेट डायरी खोल करके अपनी हर बात बता रहे हैं, हर चीज उन्होंने खोल के बताई। क्यों बताई साहब? ताकि हम सावधान हो जाए, और इसी कारण हमारे यहाँ हर साल पर्यूषण के अंदर ये महावीर स्वामी का लाइव पूरा जीवन चरित्र पढ़ा जाता है,
कल्प सूत्रों के अंदर बार बार हम पढ़ते हैं, कई बार पढ़ने के बाद भी कई बारीक चीजें हमारे ध्यान में नहीं आती है, इतनी हमारी अवेयरनेस तो नहीं है ना, ये भी तो प्रश्न है। चलिए बहुत धन्यवाद आपको। हाँ साहब जी, एक उसी में था कि जो एक आप मतलब बार बार कहते हैं तमेव सच्चम निसंकम, जो तमेव सच्चम तो उसका था ही था, लेकिन कहाँ निसंकम में कोई शंका एक आ गई कि यहाँ भी है, ये ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, अब यही क्लास आ रही है, अब सम्यक दर्शन होने के बाद यही विषय आ रहा है आगे जी, आगे थैंक यू क्लास में यही आ रहा है जी, थैंक यू। अरुण बेन, अरुण बेन, यू आर म्यूट अरुण बेन। यस साहिब जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू आई वांट टू शेयर के 100% आपका जो विमान है ना उससे हम निकलेंगे नहीं, वो जो देवताओं की विमान होता है ना, तो वी आर गोइंग टू बी सिटिंग इन दैट विमान एंड वी आर गोइंग टू गो बिहाइंड यू नो मैटर व्हाट, सो डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू गेट ऑफ द प्लेन। Anyway, no problem. Saif ji, I wanted to share one more thing with you. I completely lost the thought now. When I get the thought, I'll ask you. I completely lost my chain of thinking. I'm very sorry, but yeah, sorry, very sorry. No problem. We'll come back to you, Parulbeen. Sunita ji, aap question. मध्यवंदमी साहिब जी, साहिब जी आपने जो जैसे बताया कि मारीची के भव में जो कपिल था शायद वो गौतम स्वामी का ही जीव था, तो इनकी यात्रा भी जो आपस में कैसे चलती है साथ साथ, कि कैसे इनके संबंध रहे हैं उनके, उसके बारे में भी हम मतलब जैसे गंधर्ववाद में जानना चाहेंगे कि उनकी यात्रा किस तरह से चली, तो बहुत मतलब कि कैसे उतार चढ़ाव आते हैं अध्यवसाय में, कैसे क्या क्या होता है, तो उसका भी साथ साथ उसे एक जैसे प्रथमानुयोग का भी वो साथ साथ चलेगा, और वो हम जरूर जानना चाहेंगे गौतम स्वामी की यात्रा भी साथ साथ जो चलती है उसके बारे में भी। धन्यवाद सुनीता जी। कश्मीरा जी आपको कोई प्रश्न है? आप म्यूट में हैं कश्मीरा जी। महाराज सब मच्छर वंदामी, आप इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं, हमारा मन एकदम आनंदित हो जाता है और इतना अच्छा लगता है, क्या बात करूं। मैंने भी जेनोलॉजी का 5 साल का कोर्स किया है, इसलिए इसमें मेरे को तो बहुत मजा आती है, अंदर से आनंद और खुशी खुशी होती है। धन्यवाद महाराज सब मच्छर वंदामी। मतेन वंदामी साहिब जी, साहिब जी ये पूछना था कि ज्ञान से तो कर्म अपने टूटते ही है, तब से कैसे टूटते है वो मालूम नहीं पड़ा अभी, तब करते है तो उपवास एकाशना अम्बिल। अब वो आप पिछली क्लास निकालो, थोड़े 2-3 विषय है वो क्लास निकालो, तब से निद्रा कैसी होती है, कर्म क्षय कैसे होता है, वो दूसरे 2-3 एपिसोड जो है वो खोल करके देख लो। पिछले एपिसोड में है नरेंद्र भाई, म्यूट पे हैं। प्रार्थना के लिए अंत में प्रार्थना करनी है इसलिए। हाँ हाँ कोई बात, परुण बेन आपको याद आया? नहीं, और किसी को प्रश्न है मैंने मिस किया हो? चंद्रेश भाई तुमने प्रश्न छे कोई? नहीं साहब, मेरा एक संशय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 11 गंधर्व हुए मारवी स्वामी के, उन्होंने सबने ग्रंथि भेद उनके अंतिम जन्म में ही किया, और फिर वो केवल ही, अच्छा ऐसा नहीं है, उसी दिन वैशाख शुद्ध 11 के दिन ही 11 का सबका ग्रंथि भेद उसी समय हुआ है, सबने उसी समय ग्रंथि भेद करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, और उसी समय स्टार्टिंग में ही पहले ही जो सामान्य यथा प्रवृत्ति करण करके 2 मिनट में उनका जो है चरम यथा प्रवृत्ति करण भी हो गया,
अब ये समझो कि 9:20 पर गौतम स्वामी आए, 9 मिनट से लेकर के 9:30 तक उनका डिस्कशन चला और 9:30 पर उनके ग्रंथि भेद हुआ, 9:31 पर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, 9:32 पर उन्होंने भगवान के सामने इच्छा व्यक्त की, प्रभु अब मैं आपके चरणों में जीवन समर्पित करता हूँ, भगवान ने स्वीकार किया। 9:35 पर इंद्रभूति ने दीक्षा ली, 9:35 पर इंद्रभूति की दीक्षा हुई, बाद में अग्निभूति भी आए उनके भी 10-10 मिनट का, फिर उनके वायुभूति आए उनके 10 मिनट का, फिर व्यक्त स्वामी आए उनके 10 मिनट, फिर सुधर्मा स्वामी आए उनके 10 मिनट, ये सबका 10-10 मिनट जाकर के सबका ग्रंथि भेद। अब 10 मिनट मतलब एप्रोक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ, किसी के 5-7, किसी के 9, किसी के 12, और 11 बजे तो महावीर स्वामी खुद जो है खड़े हुए, इधर इंद्र महाराज खड़े हुए, उन्होंने हाथ में सुवर्ण थाल लिया, उसमें वास चूर्ण था। अब भगवान ने दिव्य वास चूर्ण मुट्ठी भर के सबसे पहले इंद्रभूति गौतम के सिर पर डाला, फिर अग्नि बुद्धि, फिर वायु बुद्धि, और सबके लिए भगवान ने अनाउंस कर दिया, इन 11 को मैं गंधर्व पद पर आरूढ़ कर रहा हूँ, आज से मैं जितनी देशना दूंगा ये सब लिखेंगे और इनका लिखा हुआ आगम पड़ेगा, द्वादशांगी बनेगी, और उसी का अभ्यास करके सब जने जो है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त करेंगे। इनका लिखा हुआ द्वादशांगी आगम शास्त्र 21,000 वर्ष तक चलेगा, इसलिए मैं टोटल राइट्स जो है इन 11 को दे रहा हूँ। अब ये भगवान तो देख रहे हैं केवल ज्ञान से कि इनका ग्रंथि भेद हुआ है, इनको सम्यक दर्शन हो चुका है और इनके विरक्ति के भाव इन्होंने व्यक्त कर दिए वैराग्य के, तो भगवान ने उनको दीक्षा भी दे दी। और दीक्षा देने के बाद जब सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों आ गया, अब भगवान क्यों ना कहेंगे, अब भगवान ने उनको गंधर्व पद पर नियुक्त कर दिया। अब महावीर ये थोड़ी सोचेंगे 10 मिनट पहले वो मिथ्यात्वी ब्राह्मण था, लेकिन अब 10 मिनट पहले का नहीं सोचना है, अब उन्होंने भगवान ने आगे का सोच करके अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भगवान ने पूरे अधिकार दे दिया उनको, अब वो इंद्रभूति लिखेंगे और महावीर के पास बाद में आएंगे और भगवान को बोलेंगे, भगवान अब आप करेक्शन करो, आप वेरीफाई करो, आप साइन करो, फिर मैं लोगों के भी, अब वो प्रश्न ही नहीं है, अब पूरा अधिकार राइट्स आ गया है, वो 11 ही 11 अपनी तरफ से लिखते जा रहे हैं, द्वादशांगी बनती जा रही है, आगम शास्त्र बनते जा रहे हैं और शिष्यों को हजारों को पढ़ाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये पहले किसी को नहीं हुआ है। अभी जरूर इन्होंने माता जी ने बात की है तो मैं गौतम स्वामी के पिछले जन्म और पूरी स्टोरी जरूर कहूंगा, इन्होंने जो कहा है मैंने गंधर्ववाद में लिखा है कि ये कपिल ही भविष्य में जाकर गौतम स्वामी बन रहे, तो इनका जो संबंध आज का है, लेकिन पिछले 5 जन्मों में गौतम स्वामी के संबंधों में महावीर के साथ का कोई संबंध कहीं नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये मैं कहूंगा आपको, जरूर कहूंगा, मैं इसको ज्यादा स्टोरिकल नहीं बनाता हूँ क्योंकि थियोरिटिकल है, अब थियोरिटिकल ज्यादा बनाने में स्टोरिकल कर दूं तो सब्जेक्ट की दिशा बदल जाएगी, तो 8 महीने के 18 महीने हो जाएंगे साथ, तो ये भी अब थोड़ा सा है, तो इन शॉर्ट में जरूर करेंगे, बात ना नहीं है, लेकिन ये भी जो है गणधर उसी भव में सभी सम्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और उसी भव में दीक्षा भी ले रहे हैं, उसी भव में गणधर भी बन रहे हैं, उसी भव में द्वादशांग की रचना कर रहे हैं, उसी भव में केवल ज्ञान भी होगा, उसी भव में मोक्ष में भी जाएगा, अनिवार्य रूप से कंपल्सरी है, गणधर भी कभी वापिस दूसरे भव संसार में नहीं करते हैं, गणधरों का सम्यक दर्शन नहीं जाता है, उनको केवल ज्ञान अनिवार्य रूप से होना ही होना है, उसी भव में मोक्ष में जाना ही जाना है, नो डाउट्स एट ऑल। अब ये सारी बातें जो है बड़े शाश्वत नियम जो है वो अगर हमारे ध्यान में समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। साहेब मारू जरा संशय बीजी रीते छे कि सम्यक्त्व थई गयु
તે છતાં એમને આગમોની રચના કરી તો એ કેવલી તો નથી, પણ આગમની રચના સમ્યક્ત્વ પછી પણ થઈ એટલે એમનું જ્ઞાન એટલું શુદ્ધ હતું, એ જરાક મને જરાક સંશય હતો. જ્ઞાન તો બહોત થા ઉનકો, બહોત બડે સ્કોલર થે, ફેમસ સ્કોલર ઓફ ધ ઇન્ડિયા ઉસ સમય કે વો અપને આપ કો સર્વજ્ઞ માનતે થે, લેકિન ઉનકા જ્ઞાન પોઝિટિવ કરના થા. બાત ઇતની હૈ, आत्मा को नहीं मानते थे, अब उनको आत्मा समझा करके स्वीकार करा लिया. गौतम ने खुद ने कान पकड़ लिए. दूसरी बात यह है कि सम्यक दर्शन हुए बिना आगे एक भी स्टेप आगे नहीं बढ़ता है, एक भी कोई किसी दिशा में आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे. आपको दीक्षा भी लेनी है तो पहले सम्यक दर्शन चाहिए, गणधर बनना है तो पहले सम्यक दर्शन कंपल्सरी है. देशना लिखने का काम सिर्फ और सिर्फ गणधरों का है, तो गणधर कंपलसरी. सम्यक दृष्टि होने अनिवार्य है, सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो वो गणधर बनेगा ही नहीं. मिथ्यात्वी कोई गणधर बन ही नहीं सकता है, मिथ्यात्वी को अधिकार मिल ही नहीं सकते हैं, सब देते तो भगवान है ना. आपको क्या डाउट है केवल ज्ञानी होना जरूरी है? जी नहीं, केवल ज्ञानी कभी देशना नहीं लिखते हैं, केवल ज्ञानी आगम शास्त्रों की रचना नहीं करते हैं, केवल ज्ञानी द्वादशांगी नहीं बनाते हैं, गणधर ही बनाते हैं. केवल ज्ञान तो जब जिसको होगा तब होगा, नहीं भी होगा तो क्या हो गया. देशना तो केवल ज्ञानी की ही है ना, भगवान तो केवल ही है, भगवान खुद देशना दे रहे हैं, तीर्थंकर खुद केवल ज्ञानी है. अर्थ से सारी तत्व व्यवस्था पदार्थ स्वरूप भगवान खुद दे रहे हैं. गणधर को तो मात्र उससे शॉर्ट हैंडमेड नोट्स करना है और कोई केवली नहीं करेंगे, गणधर को ही करना है. और केवली गणधर केवली नहीं होते हैं, भगवान के पास जब दीक्षा लेते हैं देशना लिखते हैं तब कोई गणधर केवली नहीं होता है. हाँ, वर्षों के बाद अपने अपने कर्मों का क्षय करेंगे, जब केवल ज्ञानी बन जाएंगे तब वो गणधर पद छोड़ देंगे. केवल ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, अब उसके बाद वो देशना लिखेंगे भी नहीं, अब उनको कोई आवश्यकता नहीं रहेगी. केवल ज्ञान जिनको भी प्राप्त हो गया, जाओ भाई. अब महावीर स्वामी के बाद जो है गौतम स्वामी को तुरंत केवल ज्ञान हो गया. महावीर स्वामी को रात को 2:30 बजे निर्वाण हुआ, गौतम स्वामी को 5 बजे केवल ज्ञान हुआ. तो भगवान की गादी पर कौन आवे? तो गौतम स्वामी नहीं आए, सुधर्मा स्वामी आए. सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था, वे अभी गणधर के रूप में है, वो भगवान की गादी पर आए. अब शासन उन्होंने चलाया तो हमारे आज के सबके परंपरागत मुख्य गुरु कौन है? सुधर्मा स्वामी है. गौतम स्वामी को अधिकार नहीं है, अब वो केवली हो गए हैं. अब केवली हो गए तो शिष्यों को डांटेंगे कैसे? आपने ये पाठ नहीं किया, आपने ये पाठ क्यों नहीं सुना, आपने ये अभ्यास क्यों नहीं किया? अब वो डांट भी नहीं सकते, क्यों नहीं डांटेंगे? डांटने के लिए राग द्वेष चाहिए. अब वो तो मोहनीय कर्म क्षय हो गया, वितरागी बन गए. हाँ, सुधर्मा स्वामी अभी वितरागी नहीं हुए, केवली नहीं हुए, वो डांटेंगे. वो बोलेंगे साहब ये पाठ करना, ये क्यों नहीं किया आपने? तो गणधर भी बाद में जो है उनको तो केवल ज्ञान होना ही होना है, मोक्ष में तो जाना ही जाना है, तो उनको ये सब छोड़ देना है. हाँ, लेकिन जब तक वितरागी नहीं होंगे, केवल ज्ञान नहीं पाएंगे, वहां तक उनका अधिकार बना रहेगा, वहां तक नहीं छोड़ सकेंगे वो. जी सर, धन्यवाद. ये क्लेरिफिकेशन जरूर है, ये सब आते रहेंगे बाद में. नरेंद्र भाई. हाँ, बोल रहा हूँ. खामे मी सव जीवे सवे जीवा खमंतु में मित्ती में भुवेसु वेरम मध्यम न केणई. सभी जीवों को मैं खमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें,
सबके साथ मेरी मैत्री है, किसी के साथ वैर वैमस्य नहीं है। अरिहंतो महादेवो जाव जीव सुसाहुणो गुरुणो जीर्णपणत्तम तत्तम य समत्तम गए मह्यम। अरिहंत ही मेरे भगवान हैं, सुसाधु हैं, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं, जिनेश्वर प्रणीत तत्व धर्म जीवन का जीवन भर स्वीकारता हूँ, ऐसा सम्यक्त्व मैं ग्रहण करता हूँ। अरिहंत ही मेरे भगवान हैं, सुसाधु ही मेरे गुरु हैं, जिनेश्वर प्रणीत तत्व ही धर्म है, ऐसा सम्यक्त्व मैं जीवन भर के लिए स्वीकारता हूँ। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोलिभद्राजा जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं भवजामि अरिहंते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयदं जयति शासनम्। धर्मलाल बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना साहेब साहेब जी साता मारे जो।